सो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं यहाँ से फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद यहाँ पर फेस का वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से मैं यहाँ पर वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज के लिए, आज की वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ कि आप लोग को अगर एयरटेल, जियो, वी आई, BSNL कोई सा भी आप लोग सिम को यूज़ करते हैं, तो उस सिम को आप लोग को बिल्कुल में फ्री में रिचार्ज किस तरह से करना है। तो हाँ फ्रेंड्स, आप लोग सभी सिम को यूज़ करते हैं, लेकिन आप लोग को रिचार्ज का प्लान का भी अभी थोड़ा सा रेट बढ़ चुका है, तो आप लोगों को फ्री में रिचार्ज करना है, मतलब आप लोगों को फ्री में नहीं बोलूंगा, उसमें थोड़ा सा आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आप लोगों को फ्री में नहीं दिया जाता, उसमें कुछ भी आप लोग को इंटरफेस अपना करना पड़ेगा, तभी आप लोग आराम से रिचार्ज कर पाइएगा। तो लेकिन आप लोगों को मैं जैसे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को फ्री में रिचार्ज करना है, आप लोगों और कोई सा भी सिम यूज़ करते हैं और आप लोग कहीं से भी यूज़ करते हैं, सिर्फ आप लोगों को रिचार्ज किस तरह से करना है बिल्कुल फ्री में, आप लोग चाहे कोई सा भी सिम को यूज़ करते हैं। लेकिन आप लोगों को रिचार्ज करने के लिए आप लोगों को मेरे वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को मैं जैसे समझाऊंगा उसी तरह आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। और आप लोग ये नहीं कि आप लोगों मैं लाइव प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ, जैसे आप लोग लाइव प्रूफ देखकर आप लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ किस तरह से आप लोग को यहाँ पर फ्री में रिचार्ज दिया जाता है और इसे किस तरह से किया जाता है। तो आप लोग को सारा A to Z बताऊंगा इस वीडियो में। आप लोग को बिना टाइम वेस्ट किए मैं फटाफट से अपने वीडियो को शुरू कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन में आ चुका हूँ। तो अब आप लोग को यहाँ पर टाइम आ चुका है कि किस तरह से आप लोग को, जैसे मैंने बताया कि फ्री में रिचार्ज किया जाएगा, तो आप लोगों को सारा वीडियो को मेरे आप लोग को A to Z देखिएगा, आप लोग को बिना स्किप करे मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, तो सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाना है कि एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जिस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। तो जैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आप लोग के एप्लीकेशन में अपडेट आ चुका है, तो एप्लीकेशन को जाकर फटाफट से पहले अपडेट कर लीजिएगा। और अब आप लोग को सामने देखिए, मैं आप लोग को सामने विथड्रॉल लेकर दिखाने वाला हूँ। तो हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों सामने में सबसे पहले यहाँ पर देखिए, लाइव में आप लोगों सामने यहाँ पर विथड्रॉल लेकर दिखाने वाला हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं 4828 यहाँ पर है, तो आप लोग जैसे मैं यहाँ पर रिवॉर्ड वाले सेक्शन में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2500 जैसे यहाँ पर कॉइन होता है, तो मैं 25 रुपीज़ निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा अभी यहाँ पर देख सकते हैं 4880 यहाँ पर कॉइन है। तो अब आप लोगों को मैं यहाँ पर सामने कैसे निकालूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं 25 रुपीज़ यहाँ देख सकते हैं पेटीएम कैसे। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरा नंबर शो कर रहा है, जिसको मैंने यहाँ पर ब्लर करके रखा हूँ। तो अब आप लोगों को सामने यहाँ पर देखिए टाइम जा रहा, सारा चीज़ आप लोगों को मैं यहाँ पर शो कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं 7:33 हो रहा है, यहाँ पर 3 मार्च हो रहा है, फ्राइडे हो रहा है, सारा चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, जैसे आप लोग को बिना विश्वास हो जाए। तो जैसे मैं यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे कंफर्म पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर 48 आवर्स का दिखा रहा है, लेकिन आप लोग के यहाँ पर ही 1 सेकंड के अंदर में ही यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन यहाँ मेरा नंबर शो कर रहा है, इसलिए मैं इसको ब्लर करके रखा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं रिडीम लग चुका। अब चलिए मैं आप लोग को पेटीएम में लेकर चलता हूँ। अब आप लोग से लिए जैसे मैं यहाँ पर पेटीएम को ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद आप लोग जैसे मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट अपना देता हूँ, दे देने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर वॉलेट पे चले जाता हूँ। तो वॉलेट पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर सिंपल पेटीएम वॉलेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो पेटीएम वॉलेट पे जैसे क्लिक करते हो यहाँ देख सकते हैं 25 रुपीज़ यहाँ पर रिसीव हो चुका है, यहाँ पर 29 रुपीज़ है, पहले से यहाँ पर कुछ पैसा था इसलिए। तो यहाँ देख सकते हैं पहले से यहाँ पर 4 रुपीज़ था, अभी देखिए आप लोग सामने मैंने यहाँ पर 25 रुपीज़ यहाँ से रिडीम ले चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए रिडीम किस तरह से लिया मैंने, यहाँ पर सारा चीज़ आप लोग को टाइम भी दिख जाएगा। देखिए 3 मार्च यहाँ पर दिख रहे थे, 7:34 हो रहा है यहाँ पर PM, और आप लोग अभी टाइम देख लीजिए 7:34 हो रहा है। तो आप लोगों सामने मैंने यहाँ पर 25 रुपीज़ के यहाँ पर रिडीम ले चुका हूँ। तो आप लोग भी यहाँ से रिडीम ले सकते हैं, लेकिन आप लोग जैसे यहाँ पर कॉइन हो जाएगा आप लोग इंस्टेंट यहाँ पर जितना भी है उतना आप लोग रिडीम ले सकते हैं। तो जैसे मैं एप्लीकेशन में जाता हूँ तो यहाँ पर बैक चले आता हूँ, बैक चले आने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं 10,000 जैसे आप लोगों का कॉइन हो जाएगा तो आप लोग यहाँ से 100 रुपीज़ यहाँ से विथड्रॉल ले सकते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 50,000 होने से 500 रुपीज़ के यहाँ से विथड्रॉल ले सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन बहुत ही जेन्युइन है, इसीलिए आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि आप लोग रिडीम ले, अगला वीडियो में आप रिडीम करके नहीं दिखाया, तो इसलिए मैं आप लोग के लिए रिडीम के चक्कर में आप लोग फिर से मैं यहाँ पर इस वीडियो के लिए आप वीडियो बना रहा हूँ, जैसे आप लोग को विश्वास हो जाए कि किस तरह से मैंने यहाँ पर रिडीम लिया। आप लोगों को सामने मैंने अभी दिखाया कि किस तरह से रिडीम ले चुका हूँ, अभी देख सकते हैं 23,800 फिर यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 2,500 फिर हो जाएगा तो मैं यहाँ पर फिर से यहाँ से आराम से रिडीम फिर 25 रुपीज़ का निकाल सकता हूँ। तो अब आप लोग इसमें से ज़्यादा अर्निंग क्या है, तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर प्ले गेम करके भी कर सकते हैं, या आप लोग यहाँ पर रेफर एंड अर्न करके भी कर सकते हैं। रेफर एंड सबसे ज़्यादा यहाँ पर जेन्युइन है, क्योंकि रेफर से ही मैंने यहाँ पर जितना ज़्यादा कमाया है। सिर्फ एक फ्रेंड को आप लोग रेफर करते हैं तो यहाँ पर 500 कॉइन्स आप लोग को दिया जाएगा, और आप लोग को फ्रेंड जैसे जैसे यहाँ पर खेलता जाएगा वो फ्रेंड को रेफर करेगा तो 10% करके आप लोग को कमीशन हमेशा मिलता रहेगा। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत ही यहाँ पर आप लोग जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, रेफर हिस्ट्री भी दिखा देना चाहता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कितना फ्रेंड में यहाँ पर 0-0 मिल चुका है, और यहाँ देखिए एक फ्रेंड
में यहाँ पर 500, यहाँ देख सकते हैं 510, यहाँ पर 810, किसी किसी में देखिए 1024 भी, 10024 भी मिल चुका है। तो किसी किसी में ज़्यादा जैसे करिएगा आप लोग उसी तरह आप लोग को मिलता जाएगा, और वो जैसे जैसे फ्रेंड को रेफर करेगा उसी तरह देखिए यहाँ पर कितना सारा मैंने यहाँ पर पॉइंट को इकट्ठा कर चुका हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऐप टास्क भी कंप्लीट करके कर सकते हैं, या सर्वे ऑफर, और आप लोग यहाँ जैसे वॉच वीडियो करके, और यहाँ पर डेली डैशबोर्ड भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन में ज़्यादा कुछ इंटरफेस नहीं है, सिर्फ आप लोगों को किस तरह से करना है, बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेफर करना है या आप लोगों को गेम खेलना है, बस एप्लीकेशन में कुछ नहीं है। और आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन में ज़्यादा इंटरफेस भी नहीं है, बस आप लोग यहाँ पर रेफर का सिस्टम है, या प्ले गेम का है, और यहाँ पर देख सकते हैं ऐप टॉक, यहाँ सर्वे ऑफर, यहाँ वॉच वीडियो, यहाँ पर डेली डैशबोर्ड का आप लोगों को दिया गया है, और ये प्रोफाइल रिवॉर्ड है आप लोगों को रिवॉर्ड वाले सेक्शन में, जिससे मैंने देखा है कि आप लोग यहाँ से बहुत चीज़ें आप लोग यहाँ गूगल पे से भी आप लोग यहाँ पर मतलब प्ले स्टोर का आप लोग यहाँ से रिडीम ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे पेटीएम में आप लोग रिडीम लीजिएगा, फिर आप लोग कोई सा भी सिम को आप लोग बिल्कुल फ्री में रिचार्ज कर सकते हैं, चाहे आप लोग एयरटेल सिम यूज़ कर रहे हैं, चाहे जियो, चाहे वीआई, कोई सा भी सिम को यूज़ कर रहे हैं आराम से आप लोग फ्री में रिचार्ज कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जाएगा फटाफट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो समझ में आ गया होगा, अगर कुछ समझने में प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जैसे मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आप लोगों को रिप्लाई दे पाऊं, अगर नहीं दे पाता हूं तो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बनाऊंगा। और ये एप्लीकेशन मैं आप लोगों के लिए बहुत दिनों से मैं बना रहा हूं, लेकिन आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाने के लिए मैं कितने बार इसके एप्लीकेशन का बना चुका हूं, क्योंकि बहुत सारा कमेंट भी आ रहा था कि आप लोग अच्छे से नहीं दिखा पाते, तो इसलिए मैं इस वीडियो का आप लोगों को मतलब ये एप्लीकेशन का फिर से मैं बना चुका हूं। तो आप लोग अगर एप्लीकेशन अच्छा लगा होगा तो आप लोगों का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर फटाफट से डाउनलोड कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।